हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और बिना कोई टाइम पास आप देख रहे हैं टेक हेल्पर विकास। तो बिना कोई टाइम पास, बिना कोई बकवास, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्वीट सेल्फी जो चाइनीज ऐप है उसका अल्टरनेटिव ऐप इंडियन ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप जितना भी चाइनीज ऐप यूज करते हैं उसका अल्टरनेटिव ऐप है इंडियन ऐप भी है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आप उसको यूज नहीं करते हैं। तो आप अपने देश को सपोर्ट करें दोस्तों, अपने देश को बढ़ावा दें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ स्वीट सेल्फी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्वीट सेल्फी सर्च करके दिखा देता हूँ। ऐसे तो 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन ये जो स्वीट सेल्फी है वो अभी भी यहाँ पे है मौजूद, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीट सेल्फी है, इसका 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। अब इसका अल्टरनेटिव जो ऐप है दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसका अल्टरनेटिव जो ऐप है उसका नाम है इंडियन कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन सेल्फी कैमरा, ठीक है। ये इसका अल्टरनेटिव ऐप है जो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, कुछ दिन पहले ही इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 के प्लस डाउनलोड है, 7.3 MB का ये है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, एडिटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये स्वीट सेल्फी का अल्टरनेटिव ऐप है दोस्तों, जो कि इंडिया का है। तो आप अपने देश को सपोर्ट करें, अपने देश के ऐप को यूज करें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।